हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक छोटे से कपड़े से बहुत ही सुंदर और यूजफुल चीज़ बनाना। तो फ्रेंड्स, ये कपड़ा देखने में बहुत ही छोटा है और जब ये इसकी जो हम बना रहे हैं वो चीज़ बनकर रेडी होगी तो आप कहेंगे कि वाह, इतना छोटा सा कपड़ा और इतनी प्यारी सी चीज़ इससे बनकर तैयार हो गई है। तो अगर आपके पास भी इस तरीके का छोटा सा कपड़ा है तो आप भी उठाकर इस तरीके से रेडी हो जाइए बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि हम इससे क्या बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है और ये एक फोम की सीट ले ली है और इसी के मैच का ये लाइनिंग का कपड़ा ले लिया है। नीचे अस्तर, बीच में फोम की सीट और ऊपर से हमें मेन फैब्रिक इसमें रख देना है। तो इस तरीके से हमें ये शीट और इससे अस्तर लगाने के लिए, अगर आपके पास इसी के मैच का ना हो तो आप प्लेन इसमें लगा सकते हैं और अस्तर में आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, बस आपको मेन फैब्रिक चाहिए छोटा सा ऊपर का। अब इसकी माप हम आपको बता देते हैं। इसकी लंबाई है 10 इंच और इसकी चौड़ाई है 11 इंच। तो इस तरीके से हमने ये छोटा सा पीस ले लिया है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि सबसे पहले तो हम चारों साइड पिनअप कर लेंगे इसमें, ताकि हमारी ये सीट अच्छे से फिक्स हो जाए इसमें और जब हम सिलाई करें तो हमें दिक्कत ना हो। और चारों साइड हम चारों कॉर्नर पर इस तरीके से इसमें पिन लगा लेंगे और पिन लगाकर हमें एकदम से चारों साइड से इसमें स्टिच कर लेना है। तो हमारी ये पूरी सीट बनकर रेडी हो जाएगी। तो अभी हम इतना वर्क कर लेते हैं, चारों साइड से इस पर स्टिच लगा देते हैं। तो ये चारों साइड से सिलाई लग गई है और इसके पिन निकाल कर अब हम जो एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा निकल गया है उसको हम कैंची से कट कर देंगे चारों साइड से। तो हमारी ये एकदम अच्छे से पूरी फिनिश होकर एक सीट तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये रेडी हो गई है। अब इस पर हम निशान लगा देते हैं और निशान के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगा कर हमारी ये सीट है वो अच्छे से फिक्स हो जाती है। अब ये हमारा पूरा पीस बनकर रेडी हो गया है और इसमें हमने बीच में स्टिच भी लगा दी है। अब हमें इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है कॉर्नर से कॉर्नर एकदम मिलाते हुए, और इस तरीके से हम इसमें 1-1 इंच के निशान लगाएंगे। इस तरीके से 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई, तो हमें बराबर बराबर इसमें निशान लगा देना है। दोनों कॉर्नर पर हमें 1-1 इंच के निशान लगा लेना है, 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई, और दो निशान हम यहाँ पर लगाएंगे और दो निशान ऊपर। तो ऊपर के तो हमारे लग गए हैं। अब हमें 1 इंच का यहाँ पर निशान लगाना है इस कॉर्नर पर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लगा लेंगे एक निशान, 1 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़ाई। तो ये हो गया, हमें चारों कॉर्नर पर एकदम बराबर बराबर के निशान लगा लेने हैं। ये हमारे दो हो गए और एक साइड और रह गया, तो ये हम इधर भी अपना 1 इंच का लगा लेते हैं। तो अब हमारे ये चारों निशान लग गए हैं कॉर्नर पर। अब हम इसको कट कर देते हैं। अब चारों कॉर्नर हम कट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें चारों कॉर्नर अच्छे से कट कर लेना है। बिल्कुल हमें छोटे बड़े नहीं काटना है, जो हमारे 1-1 इंच के निशान लगे हैं उस पर ही हमें एक सीजर चलाना है। और अब हमारे ये चारों कॉर्नर कट कर कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसके लिए एक जिप चाहिए, तो हमने जिप ले ली है। जिप की राइट साइड और फैब्रिक की राइट साइड एकदम आमने सामने रखनी है, किनारे किनारे सिलाई लगाकर इस पर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें दोनों साइड इसमें अटैच कर देनी है जिप। तो हमारी इस तरीके से जिप हमारी कम्प्लीट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें जिप भी लगा ली है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि अब हम इसको इस तरीके से पलट देंगे और इस तरीके से हम और इसको पलट कर इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे और इसके कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए यहाँ पर डबल स्टिच लगा देंगे दोनों साइड। तो दोनों साइड हम पहले डबल स्टिच लगा देंगे और इसमें लगाने के लिए मैंने ये बेल्ट भी बनाई है। इसको हम अभी यहाँ जब ऊपर सिलाई करेंगे तब हम इसमें इंसर्ट करेंगे। अब हमारी दोनों साइड डबल स्टिच लग गई है और जो भी एक्स्ट्रा जिप है हम उसको इधर से कट कर देंगे। अब हमने दोनों साइड यहाँ पर डबल डबल स्टिच लगा दी है और डबल स्टिच लगाकर फिर हम इस तरीके से इसके जो कॉर्नर हैं चारों, इसको इस तरीके से फ्लैट करके और इसमें भी डबल डबल स्टिच लगा देंगे। और कपड़े हमें और दोनों पार्ट जो हमारे कपड़े के पीसेस हैं वो हमें दोनों इस तरीके से पकड़ने हैं और पकड़कर अच्छे से फ्लैट करके और इसमें डबल डबल सिलाई लगा देनी है। और ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पर, इसको हम इस तरीके से फ्लैट करेंगे और इसी के साथ हमें ये जो हमने बेल्ट बनाई है इसी के साथ इसमें ये अटैच कर देंगे। तो इसको हम अंदर की साइड रखेंगे और इसको इस तरीके से
जब हम फ्लैट करेंगे इसमें तो इसको इस तरीके से एकदम जिप के नीचे यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। और जो हमारी यहाँ पर जो वो है ये पिन है ये इसको हम निकाल देते हैं, नहीं तो ये हमारी सिलाई में दिक्कत देगा। इसको अभी हम सुई से यहाँ से हटाए दे रहे हैं, नहीं तो ये हमारी सिलाई में दिक्कत देगी। अब जो इस पर यहाँ पर जो पेच लगा था जिप में वो हमने इसको निकाल दिया है, अब ईजिली हमारी इस पर स्टिच हो जाएगी। अब इसको इस तरीके से हमें ये वाला कॉर्नर इसको हम अंदर साइड रखेंगे इस तरीके से। जब हम ये कॉर्नर फ्लैट करेंगे तो इसको एकदम बीच सेंटर पर यहाँ पर रख लेंगे, और बीच सेंटर पर रखकर और इस पर भी हम डबल सिलाई लगा देंगे और जो भी हमारी जिप एक्स्ट्रा निकली है उसको कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें इस साइड भी पकड़ना है और फिर हम अपनी जिप इस साइड खिसकाकर और फिर जिप इस साइड यहाँ तक खिसकाकर इस पर भी हम डबल स्टिच लगा देंगे। तो दोनों साइड हम इस तरीके से डबल डबल स्टिच लगाकर फिर इसको ओपन कर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो लीजिए हमारा पूरा पाउच ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। अब इसके चारों कॉर्नर अच्छे से हम खोल लेते हैं उंगली से अच्छे से सेट करके। तो लीजिए कंप्लीट हो गया है हमारा छोटा सा पेंसिल पाउच। इसमें आप अपनी बच्चों की पेंसिल पेन कैरी कर सकते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर और यूज़फुल है। और ये बद्दी लगी तो आप इसको इस तरीके से पकड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे कपड़े से ये हमारे पाउच बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर एक छोटा सा कपड़ा हो तो आप अपने बच्चों के लिए इस तरीके से छोटा सा पाउच बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत यूजफुल लगते हैं। तो देखा फ्रेंड्स छोटे से कपड़े से हमारी कितनी यूजफुल चीज़ बन गई है। और इसमें अंदर काफ़ी स्पेस है तो बहुत सारा सामान बच्चे अपना इसमें कैरी करके रख सकते हैं। और आप और भी छोटे छोटे आइटम के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो देखा आपने छोटे से कपड़े से कितनी यूजफुल और सुंदर चीज़ बनकर रेडी हो गई है। अगर आपके पास भी इस तरीके से छोटा सा कपड़ा पड़ा है तो आप भी ये पाउच बनाकर रेडी कर सकती हूँ कि बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। उसको बनाना बहुत ही इजी है, आप देख ही चुके हैं मैंने स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से इसको बनाना बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरीके की एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजाइन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।